हम बात कर रहे हैं आरबीएन पेट्रोलियम की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2% के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। लगातार गिरावट में था स्टॉक 100 के लेवल से। हम देख सकते हैं गिरावट आई थी, बाउंस बैक किया था, अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर गिरावट आई। जब गिरावट आई थी उस वक्त हमने डिस्कस किया था 80 के सपोर्ट को, और इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में इसका ये जो लो है ये मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। 76 के लेवल से स्टॉक बाउंस बैक किया है, और जो इसका रेजिस्टेंस बनने वाला था 80 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 84 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 80 का लेवल, और अब मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा जो इसका लो है 76 का लेवल। स्टॉक गिरावट के बाद बाउंस बैक दिखा रहा है, 84 के आसपास क्लोजिंग दिखा गया है। तो अब यहाँ से इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं, इससे पहले कहाँ से रिजेक्शन फेस किया था स्टॉक ने 88 के लेवल से, तो 88 का लेवल इसके लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 90 का लेवल रहेगा, और अगर 90 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है स्टॉक तो फिर इसमें अगेन बड़ी तेज़ी हमको देखने के लिए मिल सकती है। फिर 94 से लेके 100 तक का भी जंप आरबीएन पेट्रोलियम दिखा सकता है, लेकिन 100 का लेवल इसका मेजर और तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर यहाँ तक का स्टॉक जंप दिखाता है तो इसके आसपास फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ही ठीक रहेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं स्टॉक ने कितनी दफ़ा 100 के लेवल से गिरावट दिखाई, इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।